प्रतिज्ञान क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुनः करंट के टॉप 6 क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अतः आप इसे ठीक प्रकार से देखें, इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। एक ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से कॉमर्शियल लेन देन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। कि आजकल बहुत चलन में है, आजकल लोग ई कॉमर्स के माध्यम से ज़्यादा सामान क्या करते हैं, परचेज करते हैं, बहुत उसमें है, अमेजन है। तो यह अमेजन के द्वारा इसका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है, मतलब इतना आसान है नामक ऐप के माध्यम से उन विक्रेताओं के लिए यह अभियान चालू किया गया है जो अमेजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। आप समझते हैं, आप समझते होंगे या जानते होंगे या नहीं भी जानते हो तो आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म एक अमेजन एक संस्था है, अमेजन एक संस्था है और उस अमेजन संस्था के माध्यम से लाखों कंपनियां जुड़ी हुई है। आप सिर्फ यह करते हैं कि अमेजन को आप जैसे ही अप्लीकेशन करते हैं कि हमको ये चीज़ सामान चाहिए, अमेजन क्या करता है उस चीज़, उस सामान को बनाने वाले कंपनियां के आगे क्या करती है, फॉरवर्ड कर देती है और वो कंपनी आपके घर क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, बस यही काम चलता रहता है। तो अमेजन ने उन कंपनियों के, उन विक्रेताओं के बारे में भी सोचना प्रारंभ किया है या अभियान चलाया है जो अमेजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, उन विक्रेताओं के लिए इतना आसान है नामक ऐप की क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है और एक चालू किया गया है किसके द्वारा, अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। और यह यहाँ की कंपनी नहीं है, ये बाहर की कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन में है और इसके अध्यक्ष जो हैं जेफ बेजोस हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इस अभियान का उद्देश्य है कि उन विक्रेताओं को इस अभियान से जोड़ना है जो अमेजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हीं के लिए यह ऐप चालू किया गया है। इसका नाम है इतना आसान है। पहला है, कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। यह एक प्रकार का योजना चलाया जा रहा है 2015 से यह योजना चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि राज्यों के बीच में यह देखा जाएगा कि किस राज्य में सीवेज प्रणाली और जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध है। जिस राज्य का सीवेज नाली और पानी की व्यवस्था पूरी तरह से होगी वही राज्य क्या होगा, टॉप पर होगा। तो इस सीवेज प्रणाली और जल आपूर्ति के को पूरा करने में उड़ीसा राज्य क्या है, सर्वप्रथम आया है। यह अमृत योजना 2015 से चल रहा था, 2015 से स्टार्ट है और इस वर्ष का
अमृत योजना के तहत उड़ीसा क्या है टॉप पोजीशन पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि इस राज्य की स्थापना 1936 में हुआ था, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर, इसके सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। क्या है अमृत योजना, तो यह इसके तहत सीवेज प्रणाली तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था का आकलन किया जाता है और इस योजना की शुरुआत 2015 से प्रारंभ हुआ है। अगला है कि नौसेना नेवी संचालन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना का जो संचालन करता के तौर पर जो महानिदेशक डीजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया है किनको किया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को, और नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी नौसेना प्रमुख हैं करम वीर सिंह और उप प्रमुख हैं एसके सैनी। अगला है कि विश्व अंगदान दिवस, अंग दान मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा कोई भी पार्ट क्या करना, दान दे देना, यही क्या कहलाता है अंगदान कहलाता है। तो लोगों के बीच अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष एक दिवस मनाया जाता है कि लोग जागरूक हों कि उनकी मृत्यु के पश्चात वह कोई अपने शरीर का एक बहुमूल्य अंग दान करके जाएं, जिससे भविष्य में कोई ऐसा रोग हो कि उनका अंग को उसमें प्रत्यारोपित करके उसका भी जीवन क्या कर सके, उद्धार किया जा सके। बहुत कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बहुत ऐसे से बड़े बड़े लोग हैं कि अपने पूरे अंग को ही क्या किए हुए, दान किए हुए हैं कि हमारे मरने के बाद मेडिकल पढ़ाई के लिए क्या किया जाए, दान कर दिया, कि हमारा जो शरीर है इस पर क्या किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए। बहुत लोग अपने आँख का दान कर दिए हैं, कोई अपने पूरे बॉडी को ही क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जागरूकता फैले, इसीलिए प्रतिवर्ष एक दिवस चुना गया है और उस दिवस को ही क्या करते हैं, उस विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। तो यह मनाया गया 13 अगस्त को। क्या होगा इसमें कि अंगदान करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ही क्या है, इस दिवस का उद्देश्य है। ईओई यूनाइटेड अमीरात और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, दो देशों के बीच ऐतिहासिक क्या हुआ है, शांति समझौता स्थापित हुआ है। तो एक देश है यूएई, तो दूसरा कौन देश है, दूसरा देश है इजराइल। एशिया महाद्वीप में जिसकी राजधानी जेरूसलम है,
और जिसके प्रेसिडेंट कौन हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। इसी के बीच में क्या हुआ है, शांति समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड जो तट की क्या करती है, देखभाल करती है, तट की क्या करती है, देखभाल करती है, उसी को कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक अपतटीय गश्ती, गश्ती मतलब क्या, निगरानी करने वाला पोत, एक जहाज टाइप का छोटा पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। एक तट के क्या करने के लिए, देखभाल करने के लिए, गश्ती करने के लिए एक पोत की क्या किया है, निर्माण किया है किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, तो उसका नाम क्या रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय तटरक्षक बल ने अभी हाल में किस अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है सार्थक। अब थोड़ा सा भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानते हैं कि इस बल का स्थापना 1978 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसके हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अभी इसके हैं कृष्ण मूर्ति नटराजन, इसके अभी अध्यक्ष हैं। और यह बल क्या करता है, तट की क्या करता है, रक्षा करता है, मतलब भारत और दूसरे देश के बीच में जो तट लगे हुए होते हैं उसका क्या करना, रक्षा करना ही इसका काम है। पोत के माध्यम से समुद्र के किनारे जितने भी तट हैं कि कोई दूसरा देश आक्रमण न कर दे, तो इसको उस तट की देखभाल करने वाला काम करता है भारतीय तटरक्षक बल। और इसने एक नया गश्ती पोत का निर्माण किया है और वह गश्ती पोत क्या करेगा, पूरे तटरक्षक का देखभाल करेगा। उस तटरक्षक गश्ती पोत का नाम रखा गया है सार्थक। करीब देखें कि किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है, तो ऐसा करने वाला कंपनी कौन है, अमेजन। कौन सा राज अमृत योजना जो 2015 से चल रही थी के रैंकिंग में टॉप पर है, तो वह राज्य है उड़ीसा। इसमें सीवेज प्रणाली और जल आपूर्ति व्यवस्था का आकलन किया जाता है कि कौन सा राज्य इस व्यवस्था में टॉप पर है, तो उसमें उड़ीसा क्या है, टॉप पर है। नौसेना संचालन के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, वह दिनेश कुमार त्रिपाठी को किया गया है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। इसमें लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान चलाया जाता है कि लोग अपने अंग को दान करने के प्रति क्या हों, जागरूक हों। UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, वह इजराइल के बीच में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने गश्ती पोत का क्या किया है, निर्माण किया है, और इस गश्ती पोत का नाम क्या दिया गया है, वह नाम है सार्थक। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपका टॉप 6 क्वेश्चन जो करंट का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।